आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये प्याज, शिमला मिर्च और ये टमाटर लिए हैं। उसके बाद तड़के के लिए हमने ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और ये लाल मिर्ची पाउडर है। ये पनीर है, कसूरी मेथी और ये मक्खन है और ये बेसिक से मसाले हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ये रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसके साथ फिर डालेंगे ये मक्खन। प्याज डाल देंगे, अब इसमें हम अपना ये लहसुन डाल देंगे कटा हुआ और ये हरी मिर्च। अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले डालेंगे। देखिए, ये हल्की सी लाल मिर्च है और ये ज़रा सी हल्दी, और इसके साथ ही हम अपनी ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इन्हें हम पकने देंगे और इसके साथ हम ये डाल देंगे अपने ये कटे हुए टमाटर, आएगा ये नमक फॉर टेस्ट। साथ हमने ये प्यूरी भी डाली है ताकि ये इसमें अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ सके। देखिए, जितने हमारी ये ग्रेवी पकेगी उतने हम अपनी पनीर की तैयारी करते हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें जीरा जाएगा, ये कुटा हुआ धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें ये प्याज डाल रहे हैं और इसके साथ ही हम अपनी ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और अब हम इसमें अपनी ये थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसी में डाल देंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, इसे बस सौते ही करना है ताकि वो थोड़ा क्रंची टेस्ट आ सके। इसी स्टेज पर हम अपनी गैस बंद कर देंगे और अब आप अपना मसाला चेक करते हैं। अब हम इसमें अपना ये पनीर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारा कढ़ाई पनीर बन करके तैयार है। पनीर को हम ऐसे कच्चा ही रखेंगे ताकि वो उसका एक क्रीमी टेक्सचर आ सके। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।